सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ रैंक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हेल्थ टॉपिक्स एंड मेडिकल रिलेटेड वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरेश पटेल और आप देख रहे हैं हेल्थ रैंक चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जो बालों की प्रॉब्लम होती है, जो बालों का विकास नहीं होता है या फिर पूरा ग्रोथ नहीं होता है, बाल झड़ते हैं, बाल पतले हैं या फिर बाल में बार बार रूसी हो जाते हैं, इस प्रकार की प्रॉब्लम के लिए मैं आज के लिए एक ऐसी रेमेडी या फिर ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ जो एक बेहतरीन तेल है, मैं जो बना के आपको बताता हूँ। अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो एयर की प्रॉब्लम है वो एकदम से ठीक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों विटामिन की। तो विटामिन मानव शरीर के लिए संपूर्ण स्वास्थ्य के साथ साथ बालों के विकास के लिए भी जरूरी है। बाल शरीर का ही हिस्सा है, इसलिए शरीर में जब विटामिन और मिनरल का संतुलन उचित मात्रा में रहेगा तभी हमारे बाल हेल्दी और शाइनिंग रहेंगे। बालों के झड़ने, गिरने, असमय सफ़ेद होने, गंजापन से लेकर अन्य सभी तरह की समस्याओं की जड़ बालों का स्वास्थ्य है। बालों की सेहत और बालों का बढ़ना तीन कारणों पर निर्भर रहता है। वैसे तो कुछ और भी कारण है दोस्तों, लेकिन खास करके ये तीन कारण और भी मैं बताता हूँ। जैसे सबसे पहला जींस है, यानी कि वारसागत जैसे हम कहते हैं। दूसरा है बालों की देखभाल, यानी कि हेयर केयर। अगर हम सही तरह से संभाल नहीं रखते, केयर नहीं करते बालों की, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो दूसरा है आपका रूटीन्स, यानी कि आपका लाइफस्टाइल को किस प्रकार की उस पर, और खान पान। ठीक है दोस्तों, तो ये कारण है उनके। तो हम अपने जींस को तो नहीं बदल सकते क्योंकि वो हमारे वारस में मिले हुए हैं, लेकिन हम अपने बालों के देखभाल के तरीके और खान पान की आदतों में बदलाव करके बालों की सेहत को बना सकते हैं। वास्तव में बालों की लंबाई नहीं बढ़ने की परेशानी की बड़ी वजह बालों की उचित देखभाल न हो पाना और कुपोषण है। इन दोनों समस्याओं का समाधान कुदरती तरीके से ही किया जा सकता है। अगर आनुवंशिक कारणों से बाल जड़ते हैं या गिर रहे हैं या फिर थायराइड की शिकायत है, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रकृति में हर समस्या का इलाज है। तो दोस्तों, आनुवंशिक यानी कि जींस का कारण तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा बालों की देखभाल हम अच्छी तरह से रख सकते हैं। और दूसरी बात जो खान पान, तो बालों के लिए जो प्रोटीन से सबर और संतुलित आहार भी हम अगर ले सकते हैं, तो प्रोटीन अगर हमें मिल जाएगा खुराक से, तो हमारे बाल अच्छे लंबे, उसकी कोई भी समस्या होगी वो एकदम से जड़ से निकल जाएगी। तो खाने में भी हमें बहुत प्रकार की केयर रखनी पड़ेगी, यानी कि जिसके अंदर प्रोटीन सबर जो खाना है वो हमें जरूर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की जो हम तेल बनाने जा रहे हैं, जिसका हम इस्तेमाल करके बालों की जो समस्या है उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें एक पैरासूट कोकोनट ऑयल, जिसे हम कहते हैं, कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं पैरासूट या कोई भी, लेकिन शुद्ध नारियल तेल होना चाहिए, एक ये है। दूसरा है बादाम तेल, ठीक है, वो आलमंड तेल आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मैं यहाँ पे पतंजलि का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसकी श्योरिटी वो गारंटी प्योरिटी की गारंटी वो देते हैं। उसके बाद में ये विटामिन ए की कैप्सूल। तो दोस्तों, विटामिन ए की कैप्सूल आपको बाजार में मर्क कंपनी की जो आती है एविन 400 करके, वो आपको शायद 22 या 22.5 रुपये आपको 10 कैप्सूल मिल जाएगी आसानी से, किसी भी मेडिकल स्टोर पर से आप इसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, विटामिन ई जो ई की बात करें, तो ये विटामिन ई बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद विटामिन से। वैसे तो और भी जो विटामिन से, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी और विटामिन बी12, ये सब बालों के लिए और हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन विटामिन ई की बात करें तो बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो दोस्तों, विटामिन ई अगर हम खुराक से ले भी सकते हैं, लेकिन इसका पूरा प्रमाण मिलना थोड़ा कठिन है, तो इसके लिए हम इसका रेडीमेड जो एवियन करके जो बाजार में विटामिन ई की कैप्सूल मिलती है, इसका इस्तेमाल करके हम ये तेल बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं बता दूँ इसे कितनी मात्रा में इसको लेना है। नारियल तेल जो तेल है उसका एक चम्मच इसके अंदर ले लीजिए। उसके बाद में आलमंड हेयर ऑयल, इसको भी एक चम्मच मात्रा में इसको एक कटोरी में ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आप इसके अंदर विटामिन ए की जो कैप्सूल है इसे निकाल कर इसको कातर से काट कर या फिर किसी पिन से इसको पंच करने के बाद इसको पूरा विटामिन ए का जो अंदर सॉल्यूशन है उसको पूरा निचोड़ दीजिए इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों इसको पूरा मिक्स कर दीजिए तीनों आइटम को। मिक्स करने के बाद दोस्तों ये देखिए इस प्रकार से एकदम सॉल्यूशन मिक्स हो जाएगा, एकदम तेल कंप्लीट रेडीमेड हो जाएगा। इसको दोस्तों किस प्रकार से इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको सप्ताह में आपको कम से कम 2 बार इसको यूज़ करना है, ज़्यादा बार यूज़ करने की जरूरत नहीं, 2 बार करेंगे तो भी आपको इसका रिजल्ट परफेक्ट मिलेगा। इसको
आपको खास करके जो आपके सर पर जो जड़ें हैं बालों की, वहां पर इसको मसाज करना है। इसको बालों पर लगाने की जरूरत नहीं है, इसको अगर जड़ों पर लगाएंगे, क्योंकि जड़ें अगर मजबूत होगी बालों की तो अपने आप से बालों का एक ग्रोथ भी होगा और उसकी जो झड़ने की या फिर कोई पतले बाल या दो मुखी बाल है, जो भी इसकी समस्या है, वो इनसे ठीक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसको सप्ताह में दो बार इसको यूज करना है और हो सके तो जड़ों पर इसको आपको कम से कम 15 से 20 मिनट इसको मसाज करना है। हो सके तो रात के समय इसको यूज कीजिए, आप रात के समय सोते वक्त इसको मसाज कर सकते हैं। उसके बाद में आप सुबह उठकर इसको अपने जो हर्बल शैम्पू है उससे ही इसको धो सकते हैं। उसके अंदर कोई ऑर्गेनिक शैम्पू दूसरे जो बाजार से मिलते हैं उसका यूज ना करें, हो सके तो कोई भी हर्बल आयुर्वेदिक शैम्पू इसका यूज करके अपने बालों को धो दीजिए। तो ऐसा अगर आप सप्ते में दो बार करेंगे तो इसका 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको शायद 15 दिन में इसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। उसको यूज आपको लंबे समय तक करना है, जब तक आपको संतोष ना हो कि मेरा बाल, मतलब जो भी समस्या है बाल की, वो ठीक हो गई है, तब तक इसका यूज करें। और इसकी साइड इफेक्ट कोई नहीं है, ये सब नेचुरल रेमेडीज है, इसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि इसका रिजल्ट एकदम परफेक्ट मिलता है। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे दिए गए थंब बटन पर क्लिक करके इसे लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करें किसी भी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर। इसे आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपके रिलेटिव या आपके दोस्त इस वीडियो को देखकर कुछ जान सके, कुछ सीख सके और हमारे चैनल के साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस ना हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए।